राजस्थान के 12 जिले के अटरू उपखंड मुख्यालय पर गरीब, निर्धन और असहाय लोगों को ठंड से बचने और तन को ढांकने के लिए कपड़े वितरण किए गए। भारतीय दलित साहित्य अकादमी शाखा वारा के जिला अध्यक्ष बद्री लाल धाकड़ एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि गत 30 अक्टूबर को अकादमी द्वारा अटरू कस्बे में 2 काउंटर लगातार घर घर से कपड़े इकट्ठे किए, जो 10,000 के लगभग कपड़े एकत्रित हुए। उन कपड़ों का आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जिला उपाध्यक्ष अजहरुद्दीन, प्रदेश संयोजक बाबूलाल निर्मल, जिला संगठन मंत्री दुर्गा शंकर नायक, प्रेमचंद चक्रधारी लोकेश गोयल, सुरेंद्र वैष्णव आदि के द्वारा ढोक तलाई हनुमान मंदिर पर कस्बे की कई कॉलोनियों में रहने वाली गरीब, निर्धन एवं असहाय बालक बालिकाओं, युवा, नौजवान, बुजुर्ग एवं जरूरतमंद माताएं और बहनों को अकादमी द्वारा कपड़े वितरण किए गए। साथ ही अकाऊ के द्वारा बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों का भी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सरेह, आप देखिए मेरे साथ इन बात है। आज हमें एट्रो के स्टेडियम के पास में, जहाँ पर गरीबों को भारतीय दलित साहित्य समिति द्वारा निःशुल्क यहाँ पर कपड़े वितरण किए जा रहे हैं। एक कैसा समय है कि गरीब आदमी 2 दिन की रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं पर भारतीय दलित साहित्य समिति द्वारा गरीबों को कपड़े वितरण किए जा रहे हैं। सर्दी के भी ये कपड़े यहाँ पे वितरण किए जा रहे हैं। यहाँ पे कई माताएं, बहनें, बच्चों, बालक, बालिका, नौजवान, युवा साथी यहाँ पे मौजूद है और आज कपड़े बांटने के सभी के चेहरे खिले हुए। हम जानना चाहते हैं समिति के लोगों से कि ये किस तरीके की उन्होंने योजना चला रखी है और कब से चला रखी है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी 6 वर्ष पूर्व भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने पहल में प्रारंभ की कि शहरवासी जो जिनके पास में अनुपयोगी कपड़े हैं उन कपड़ों का संग्रह करें और जो यहाँ की गरीब बस्तियाँ जेल कॉलोनी ऐसे लोग जो कड़ाके की सर्दी में उनके बच्चे जिनके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, ऐसे बच्चों की सोच भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने समझ कर और कस्बे में इस कार्यक्रम का है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी अपनी सिलेंडर भी बोले जी, वो होटल पर डाल जाओ पर किसम अभी आते दे दूँगा आपको। हाँ कल टंकी लगी जो उसे कह दीजिए, वो रेंज का पाचा पड़ी से काउंटर का पाचा नहीं 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 कह दीजिए, वो लोकेशन पर टंकी चाहिए जो उन्हें कीजिए ना। पेमेंट मैं अभी आऊँगा ना, थोड़ी देर बाद फ़ोन कर दूँगा आपको, जो दे जाऊँगा ना। और 30 तारीख से ही हम कपड़ों का संग्रह कर रहे थे, उन कपड़ों को एक दिन एकत्रित करके फिर आज एक बड़ी मेटा डोर में ड्राइव करके यहाँ लाए हैं डोक तलाई मंदिर पे। और गरीबों को हमने एक दिन पहले अनाउंस करा दिया और अनाउंस करा करके और उनको आज कपड़े वितरण किए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।